नमस्ते। आप लोग तैयार हो जाइए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अभी आपने फिजिक्स पढ़ा है ना, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा समझाना है। 75 नंबर के तो आपकी थ्योरी रहती है, 12th क्लास का टाइम टेबल आ गया है, 1 मार्च को है रसायन शास्त्र का पेपर आपका, सभी को पता होगा ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, 5 नंबर का तो आपका आयतनात्मक विश्लेषण रहेगा, 25 नंबर का अपने को डिवीजन करना है। 5 नंबर का आपका होता है आयतनात्मक विश्लेषण, इसमें आप करते हैं टाइट्रेशन वगैरह, जो आप लोगों ने करा होगा स्कूल में, टाइट्रेशन करते हैं ना, ब्यूरेट पिपेट का यूज किया जाता है। ये रहेगा आपका 5 नंबर का प्रैक्टिकल कॉपी में। 25 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपका पूरा लिखा हुआ होगा, जितनी एक्सरसाइज है आपकी पूरी लिखी हुई होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको टाइट्रेशन है, आपके कोर्स में 12th क्लास में डबल टाइट्रेशन है ना, 2 बार आपको रीडिंग लेनी रहेगी उसकी, एक बार ज्ञात के साथ और एक बार अज्ञात के साथ। दूसरी चीज आपकी है अकार्बनिक, अकार्बनिक 6 नंबर का है वो, मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण। ये है आपके कोर्स में 6 नंबर का। इसमें आपको अम्लीय दो और दो क्षारीय मूलकों की पहचान करनी होगी। ये दो आपको अम्ली निकालने रहेंगे और दो क्षारीय निकालने रहेंगे। तब जब ये पूरी एक्सरसाइज होगी आपकी, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। पूरा लिखा होना चाहिए, दो अम्ली दो क्षारीय, ठीक है। इसके बाद एक और तीसरी एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिकल में, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण, ये आपका होगा 4 नंबर का है ना। ये भी आपको दो निकालने होंगे, इसमें आपको कोई दो कंपाउंड दिए रहेंगे जिसमें आपको दो निकालने होंगे, और दो 4 नंबर के, दो दो नंबर के रहेंगे। इसके बाद अगली चीज होगी वायवा आपकी, मौखिक प्रश्न जो एक्सटर्नल आएंगे वो 3 नंबर का रहेगा, और रिकॉर्ड जो रहेगा जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं वो 3 नंबर के रहेंगे। इस तरह से आप देखिए 6, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 4 नंबर का इसमें और कुछ है, प्रोजेक्ट वर्क। ये 4 नंबर का, ऐसे कुल आपके ये 25 नंबर आपके स्कूल के रहते हैं, जो बहुत आसानी से आप लोग कमा सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक टाइट्रेशन लिखना है, एक आपको अम्लीय और क्षारीय मूलक दो दो करने हैं, और इसमें दो कार्बनिक मूलकों की पहचान करनी है, और वायवा रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट जो आपकी मैडम आपसे बनवाती होंगी। अब इसमें अपने को सिर्फ इन 4 नंबरों की चर्चा आज करनी रहेगी, आपको सिर्फ इतने से की चर्चा हम करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारी मैं आपको यहीं पर दे दूंगी, तो आप कोई परेशानी नहीं आएगी 4 नंबर की। अब आप सबसे पहले देखिए कि क्रियात्मक गुणात्मक कार्बनिक विश्लेषण में क्या होता है। कोई भी चीज जो आपको दी रहेगी आप कैसे पहचानेंगे कि क्या है ये, पाउडर दिया है, सफेद लिक्विड दिया है, आप कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, क्या है ये, है ना। तो सबसे पहले हमें उसे पहचानने के लिए
कितनी कितनी बातों की आवश्यकता है? सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण हम करेंगे, उसकी अवस्था देखेंगे, पदार्थ की अवस्था कैसी है, क्या दिया हुआ है आपको, पाउडर दिया है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या दिया हुआ है, उसकी रंग क्या है, गंध कैसी है और उसकी अवस्था क्या है। अवस्था में तीन चीज हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो किस कंडीशन में आपको मिला हुआ है। पाउडर सफेद रंग का भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लिक्विड ट्रांसपेरेंट होगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि पानी है, मगर एसीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है। तो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है? एलिफैटिक समझते हैं आप, एक या एरोमेटिक है। एलिफैटिक मतलब कार्बन की खुली में मंद बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल लंबी लंबी श्रृंखला है। एरोमेटिक मतलब कार्बन जो है वो बंद है, जैसे बेंजीन होता है, बंद है। देखिए आप इसमें दिख रहा है ना बंद ये। यदि हम इसको जलाएंगे तो ये धुएं के साथ नहीं जलेगा, और एरोमेटिक को हम जलाएंगे तो ये गोल गोल चक्र में धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये इसके पहचान है, जलाने पर ये धुएं के साथ नहीं जलेगा। तीसरी चीज आपको करनी होगी असंतृप्त परीक्षण। जो भी आपको कंपाउंड मिला हुआ है वो संतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक। आप ये जानते हैं संतृप्त असंतृप्त, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होगा, जिनमें कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ये असंतृप्त होंगे। अब इसकी पहचान भी हम कैसे करेंगे बताएंगे। इसके बाद अपन करेंगे क्रियात्मक मूलक की पहचान। इसमें आपको क्या करना रहेगा, क्या ढूंढना है उसमें, या एल्कोहल है, या एरोमेटिक एल्कोहल है, फिनॉल है, या एल्डिहाइड है, या कीटोन है, या फिर एमाइड है, एस्टर है, या अमीन है। ये सारी चीजें टेस्ट देखकर अपने लगाने पता लगाने हुई कि इनमें से क्या दिया हुआ है। ये आपके कोर्स में 12th में यही सारी चीजें कोर्स में, तो इन सबको आपको एक एक बार टेस्ट ला के देखना होगा कि क्या आपको दिया हुआ है। बस अब आपको सबसे पहले एलिफैटिक और एरोमेटिक की पहचान कैसे करनी होगी। कार्बनिक यौगिक में एलिफैटिक या एरोमेटिक की पहचान करने के लिए पदार्थ को जलाकर देखते हैं, रंगीन ज्वाला के बर्नर लगे हुए हैं आपके लैब में, सब दूर केमिस्ट्री लैब में देखिए आप, सब दूर व्यवस्था रहती है गैस की, है ना। तो वहां आप जला के देखेंगे, यदि धुएंदार ज्वाला के साथ जो आपको कंपाउंड दिया वो धुआं निकल रहा है, जिस जल रहा है, तो वो एरोमेटिक होगा, और यदि धुआं रहित है तो वो एलिफैटिक होगा। ये जो चीज है वो धुआं रहित होगी, और एरोमेटिक यदि है तो वो धुएं के साथ, वलय के साथ जलता हुआ धुआं भी रिंग के साथ निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यदि आपको असंतृप्त यौगिक का परीक्षण करना है तो कुछ नहीं है, ब्रोमीन जल परीक्षण करते हैं हम। जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, मान लो उसमें डबल ट्रिपल जो भी बॉन्ड है, जैसे आप ब्रोमीन जल डालेंगे उसमें, तो क्या होगा, एकदम से उसके बॉन्डों का जो तनाव है वो खुल जाएगा। जो है वो कलर लेस हो जाएगा, पीले रंग का ब्रोमीन जल होता है, तो जैसे हम उसमें डालेंगे तो वो कलर लेस हो जाता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान हम ऐसे ही करते हैं। एक और बेयर का टेस्ट भी होता है असंतृप्त और संतृप्त यौगिकों की पहचान करने के लिए।
ये वाली जो रासायनिक क्रिया मैं लिख रही हूँ आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, शायद आपको याद भी होगी, और बहुत कॉमन टाइप की पोटेशियम परमैंगनेट, 12th क्लास में कोर्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, ये बहुत अच्छे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये क्वेश्चन आता भी है 12th में। तो क्या रिएक्शन होगी यदि आपका संतृप्त यौगिक की पहचान करनी, तो हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट लैब में जामुनी रंग का रखा रहता है, आपने देखा होगा टाइट्रेशन में भी हम यूज करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट के टाइट्रेशन में हम पोटेशियम परमैंगनेट को माध्यमिक विलयन की तरह यूज करते हैं, है इंटरमीडिएट लिक्विड की तरह उसका यूज किया जाता है, तो क्यों जामुनी रंग का है ये, या फिर आप इसको ये भी कुएं में जो दवाई मारने के लिए यूज की जाती है ना लाल दवा कहते हैं जिसे, वो भी पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो उसका फॉर्मूला है KMnO4, और जब ये पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या KOH बन जाता है, Mn मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा, और इसमें नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, जो कि आपका जो भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड कंपाउंड जो है उससे रिएक्शन कर लेगी, और जामुनी रंग फटाक से गायब हो जाएगा, इस तरह से रिएक्शन आती है। अपनी कॉमन आप लैब में जब जाते हैं तब करके देख सकते हैं, आपके यहाँ एक्सीलेंस विद्यालयों में सारी सुविधाएं हैं, लैब में आप देखिए पोटेशियम परमैंगनेट भी रखा होगा, कोई भी असंतृप्त यौगिक लेना मैडम से पूछकर उसमें डाल के देखना, जामुनी रंग एकदम से गायब हो जाता है, प्रैक्टिकल करने में तो केवल रसायन शास्त्र के ही में मजा आता है, रंगीन रंगीन गायब हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं, आपने किया भी होगा शायद ये सारी। अब आपको ये बताना है मुझे कि आपने देखा होगा कि कार्बनिक यौगिक, 11th क्लास में भी आपने देखा होगा कि कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण करने के लिए कभी कभी हम लैसाने विलयन भी बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं या सोडियम लैसाने परीक्षण टेस्ट भी कहते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले छोटी छोटी सी ट्यूब रहती है, बिल्कुल इग्निशियन ट्यूब छोटी सी, बस ये जितना मैंने बनाया ना इतनी ही ट्यूब रहती है, कांच की छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है, उसमें बिल्कुल चने के बराबर, चने की दाल का आधा हिस्सा जो होता है, चने की दाल का हिस्सा उतना सा सोडियम पीस काटते हैं, ब्लेड से कट जाता है सोडियम, और हमने इसमें डाल दिया इसमें से ऊपर से आपको जो भी वाइट पाउडर दिया हुआ है उसकी जरा सी हमने मात्रा सोडियम पीस के ऊपर डाल दी, उसके बाद लोहे की आपके पास एक टंग होगी लैब में, उससे हम गैस पर धीरे धीरे गर्म करेंगे, थोड़ा हटाएंगे फिर गर्म करेंगे, थोड़ा हटाएंगे फिर गर्म करेंगे, और ये वाला पोर्शन पूरा जो है वो रेड हॉट कर ले, बिल्कुल लाल तप्त तो हो जाएगा, इसके बाद एक बड़ी से हम टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जिसमें कि डिस्टिल वाटर भरा होगा, अपन लैब में उपलब्ध रहता है, नहीं तो बरसात में जब बहुत तेज पानी आता है तो हम लैब के लिए डिस्टिल वाटर वो भर के रख लेते हैं, छतों में से जब एक बार छत धुल जाती है बहुत अच्छे से तो टंकी में डिस्टिल वाटर भर के रख लेते हैं, उसका यूज हम प्रैक्टिकल में ही काम में लाते हैं, क्योंकि उसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं रहती, अशुद्धियां नहीं रहती, तो हमारे जितने टेस्ट होंगे वो बहुत अच्छे से रहते हैं, इसलिए हम ये जो बॉइलिंग ये डिस्टिल वाटर आसुत जल भी कहते हैं, इसे हिंदी में आसुत जल कहेंगे, इसमें ये लहसाने ये जो छोटी सी इग्निशियन ट्यूब है हमने फटाक से इसमें डाल दी, इसको भी हमने टंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब आप जैसे ये रेड हॉट था और ये ठंडा पानी था तो एकदम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो इग्निशियन ट्यूब है ज्वलन नली वो फटाक से फूट जाएगी, पानी में फूट जाएगी, है ना, अब आप क्या करिए कि इसको अच्छे से उबाल लें, बर्नर की लो में इसको अच्छे से उबाल लेंगे और फिल्टर पेपर की सहायता से इसको दूसरे ट्यूब में हम छान लेंगे, छान लिया आपने, ये बन गया आपका मिक्सचर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सोडियम छनिक भी कह सकते हैं इसको, अब आप देखिए जो ये आपने बनाया है इसमें क्या क्या बना, कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं हुई, देखिए जैसे कि आपने सोडियम को गर्म किया था
और उसमें कार्बन कंपाउंड था ही कोई ना कोई, और उसमें नाइट्रोजन है। मान लो आपको पता नहीं है पहले से कि आपको क्या दिया हुआ है, मान लो यदि उसमें नाइट्रोजन है तो वो सोडियम साइनाइड बनाएगा, यदि सल्फर है मान लो उसमें सल्फर क्या क्या निकाल सकते हैं, आपको निकालना है नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों चीजें हो सकती है सफेद पाउडर जो आपको दिया हुआ है मैडम ने। तो सल्फर यदि होगा तो सल्फाइड बन जाएगा, और यदि हेलोजन होंगे एक्स के रूप में भी बोलते हैं इसको, तो ये बनेगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम कैसे टेस्ट लगाएंगे, सल्फर का टेस्ट हम कैसे करेंगे। क्या होता है जब हम सल्फर का टेस्ट लगाने को, मान लो आपको जो दी हुई है पाउडर उसमें सल्फर है, गंधक है ना, गंधक यदि है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ अपन ने जो छान कर अलग से रख लिया है उसमें हम सोडियम प्रोसाइड विलयन मिलाते हैं, दो दो बूंद सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड उसमें मिलाते हैं तो बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है। अब आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब वाइवा होगा तो आपको फॉर्मूला मैडम जो बाहर से आती हैं या सर जो आएंगे वो ये नहीं पूछेंगे तुमने कैसा निकाला, वो पूछेंगे कि आपने जो डाला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जिसे आपने रट लिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है। एक सॉल्यूशन रहेगा, देखिए Na2S को जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे Na2FeCN5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला। तो एकदम से जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है आपका, बिल्कुल साफ सुथरा जो सॉल्यूशन है, पारदर्शी सॉल्यूशन है, वो बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा और कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनेगा Na3FeO(NSNaCN5)। या फिर हम एक और टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत आसान सा है वो भी, परख नली में आप सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लीजिए और लेड एसिटेट आपके लैब में रखा रहता है आराम से कहीं भी मिल जाता है, लेड एसिटेट जैसे ही आप डालेंगे काला रंग आ जाएगा। तो लेड एसिटेट में क्या होगा, देखो एसिटिक एसिड मतलब CH3COH होता है, जब हम इसकी लेड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लेड एसिटेट बन जाता है, इसकी दो वैलेंसी होती है, लेड की दो वैलेंसी होती है, तो CH3COO लेड एसिटेट बन जाएगा। इस लेड एसिटेट का यूज हम इस सॉल्यूशन में डालकर करेंगे तो एकदम से काला बिल्कुल ब्लैक प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, तो इससे भी आप सल्फर का टेस्ट बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होंगी अब आप देखिए, सबसे पहले समझो उसको जो आपको दिया हुआ है। यदि आपके पास नाइट्रोजन होगा, हो सकता है आपको सब कर करके देखना रहेगा लैब में, आपको हर चीज याद करके डाल डाल के देखना रहेगा, कई बार नई रिएक्शन होती तो आपको फेंकना है, फिर से आगे चलना है, फिर अगला टेस्ट लगाइए फिर फेंक दीजिए, फिर दूसरा टेस्ट लगाइए फिर करके देखिए फिर फेंक दीजिए, हो सकता है कई सारे रिएक्शन नहीं दे। हो सकता है नाइट्रोजन आपको मान लो यदि दिया हुआ है तो एक सोल्यूशन हम ये भी करते हैं कि फेरस सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट का ताजा बना हो, ताजा बना बोल लिया जाता है हमेशा, क्योंकि फेरस सल्फेट रखा रखा फेरिक सल्फेट में बदल सकता है, इसलिए हम उसको फेरस सल्फेट का ताजा बना बोल लेते हैं और उसमें एनओएच डालेंगे, एनओएच डालेंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है अपन ने जो एक्सट्रैक्ट बनाया है सोडियम का उससे रिएक्शन करके फेरस साइनाइड बना देगा और एनएओएच बन जाएगा, ये फेरस साइनाइड इससे रिएक्शन करेगा जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है वो बनाता है सोडियम फेरोसाइनाइड। अब सोडियम फेरोसाइनाइड में भी यदि आपने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, सफेद रंग का सॉल्यूशन आपकी बॉटलों में भरा हुआ रहेगा, तो बन जाता है फेरोफेरिसाइनाइड, एकदम से नीला रंग आ जाएगा। क्या क्या डालना रहेगा आपको,
देखिए आप फेरस सल्फेट लिया, एनओएच लिया, उसके बाद आपने फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ जो एक्सट्रैक्ट था वो डाल दिया, एकदम से आप देखिए कि कुछ चेंज आएगा टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद अब आप उसमें फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब एकदम से नीले रंग की हो जाएगी, बहुत सुंदर कलर आ जाता है नीले रंग का, और आप एकदम से पहचान जाएंगे कि जो भी आपको दिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसमें नाइट्रोजन है। मगर इसको याद करने के लिए मैंने आप लोग के लिए ऐसा चार्ट बनाया था कि जब मान लो नाइट्रोजन है तो उसमें कैसे डालकर आप इस तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से आप याद करोगे तो आपको लैब में जाकर करने में आसानी रहेगी, है ना। देखिए आप इसमें फेरस सल्फेट और एनओएच डाल दिया, उसके बाद उसमें हमने एक्सट्रैक्ट डाल दिया, उसके बाद हमने उसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया, अंत में आप देखेंगे नीला रंग आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन उपस्थित है। अब यदि आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें ये सारे नाइट्रोजन वाले टेस्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपको आगे बढ़ना रहेगा, वो फेंक दीजिए सारा। फिर से एक्सट्रैक्ट तो बना के ज्यादा सा रख लेते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसके बाद अपन उसमें क्या करेंगे सल्फर का टेस्ट लगाएंगे। सल्फर का लगाएंगे मतलब सल्फाइड बनेगा। आप इसमें कुछ मत करो, सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड इसमें भी डालते हैं, एक ही चीज से दो टेस्ट हो जाते हैं, तो एक अलग सा एक कंपाउंड बनता है जिसको संकुल आयन कहेंगे, वो बैगनी रंग का होगा, नीला और बैगनी रंग में बहुत अंतर रहता है। देखिए आप समझ जाएंगे नीला और बैगनी, यदि बैगनी रंग आता है तो आप समझ जाओ सल्फर प्रेजेंट है। एक और सल्फाइड वाला टेस्ट भी आपको मैंने बता दिया, मगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यदि दोनों हैं तो कुछ मत करो, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन आपके लैब में रखा है उसको डालिए, एकदम से लाल गहरा ब्लड कलर का चेंज आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, तुरंत आपको पता चल जाएगा आपको जो भी कंपाउंड दिया गया है वो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने ये सारी रासायनिक क्रिया आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाले, सिर्फ नीला रंग आ गया, पीला रंग आ गया, जामुनी रंग आ गया, लाल रंग आ गया से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या बन रहा है, कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, ये आपको बहुत जरूरी है 12th क्लास में आपकी कॉपी में लिखी होने पर ही आपको 25 में से 24 नंबर मिलेंगे। हर एक चीज होनी चाहिए, चार्ज लगा होना चाहिए, यदि आप लेड लिख रहे हैं तो उसमें 2+ चार्ज होना जरूरी है, यदि आप अमोनियम लिख रहे हैं तो 1+ चार्ज होना जरूरी है, क्लोरीन लिख रहे हैं तो 1 Cl ऊपर चार्ज लगाना जरूरी है, ये चार्ज लगाना बहुत जरूरी है। आयन है, इसका मतलब ये आयन्स है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब अपन आगे मुख्य रूप से जो बात बतानी है मैं आपको वो बताती हूँ। मुख्य रूप से आपको जो टेस्ट लगाना रहेगा एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन या अमाइड भी हो सकता है या एस्टर। मुख्य रूप से आपको इनके टेस्ट भी आते हैं 12th में, 12th क्लास के लिए ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप देखिए कि एल्कोहल या फिनॉल का टेस्ट आप कैसे लगाएं। एल्कोहल थोड़ा सा सूंघ कर भी आपको ऐसी स्मेल आ जाती है कि एल्कोहलिक स्मेल, मतलब एल्कोहल किसे कहते हैं, शराब जितनी भी होगी अलग अलग तरह की, वाइन, बियर, विस्की, ये सब एल्कोहल होते हैं। जब एडिक्ट होते हैं तो लोग बोलाते हैं ना अल्कोहलिक हैं, जब तो अल्कोहल की स्मेल से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ये जितने भी लिखे हैं मैंने आपके सामने, ये इनकी सबकी अपनी एक विशिष्ट गंध होती है। तो अल्कोहल का टेस्ट बहुत खास नहीं रहता, कुछ नहीं करेंगे अपन अल्कोहल में। यदि आपने सोडियम डाल दिया, सोडियम पीस का जैसे
इसमें आपने सोडियम डाल दिया तो एकदम से सनसनाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन क्या होगी? तो सनसनाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। या फिर अपन उसमें एसिटिक एसिड डाल दें, एल्कोहल के साथ यदि हमने एसिटिक एसिड डाल दिया तो भी लाल रंग आ जाएगा, बहुत सुंदर मीठा मीठा कलर, सूंघने में आप समझ जाएंगे कि कुछ फलों की गंध आ रही है। फलों की गंध मतलब क्या क्या आएगी, वो एस्टर बन जाता है, आपने पढ़ा होगा। ये जो गंध होगी ये मीठी मीठी गंध होती है, केले वेले पकते हैं जब तब भी आपने देखा होगा कि इसकी एस्टर की मीठी सी गंध आती रहती है। लोग बोलते हैं ना कि केमिकल से पकाया हुआ है, हर चीज केमिकल से पकाया हुआ है, तो वो फलों में से इस तरह की गंध एस्टर की आती रहती है। एस्टर का फॉर्मूला होता है R-COOR, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आप इन एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट कैसे लगाएंगे। जो मुख्य रूप से आपके कोर्स में है, ट्वेल्थ में, मान लो आपको फिनॉल दिया हुआ है, आपको ये देखिए फिनॉल दिया हुआ है। फिनॉल का जब हम निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, फिनॉल लिटमस पेपर के प्रति अम्लीय होता है, अतः नीले लिटमस से लाल कर देगा। आप बिल्कुल 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि अम्ल क्षार की पहचान कैसे करते हैं, लिटमस पेपर से। तो यदि अम्लीय है तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, सबसे पहली पहचान यही रहेगी। और अपन यदि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 फॉर्मूला इसका होता है, यदि हम डालेंगे तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बाहर निकलेंगे। या फिर इसका एक टेस्ट और भी है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। क्या करेंगे हम, जो भी आपको विलयन दिया हुआ है उसका जली विलयन बना लेंगे, पानी थोड़ा सा डाल लेंगे और 3-4 बूंद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की डालेंगे। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4 2 CeNH3 कोष्टक बंद करके 6 करिए। और जो भी आपको एल्कोहल दिया हुआ है, फिनॉल दिया हुआ है, ये AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो जो भी दिया हुआ है इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो हरा भूरा जाएगा, भूरे रंग का हरा सा अवक्षेप आ जाएगा। और यही चीज यदि हम कोई से भी फिनॉल के साथ करते हैं तो यहाँ पर नीला रंग आ जाएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन यदि सिंपल फिनॉल इन एल्कोहल के साथ यदि आप करते हैं तो वहां पर सिंपल नीला रंग आ जाएगा, हरा भूरा रंग नहीं आएगा। यही टेस्ट आप दूसरे एल्कोहल के लिए भी लगा सकते हैं। अब आप देखिए एल्डिहाइड का टेस्ट हम कैसे लगाएंगे। इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, कार्बोनिल समूह RCHCOO होता है, अतः इसके गुण CO समूह के, इसका पूरा जो रिएक्शन होगी वो इसके कारण होगी, ये इसके कारण। यदि हमने इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दिया तो फटाक से ये इसका केमिकल चेंज आ जाएगा और दूसरे एल्डिहाइडों की तरह ये भी एकदम से परिवर्तन आप देखेंगे। इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा टेस्ट होता है। शिफ्ट रिएजेंट आपकी लैब में रखा रहता है, शिफ्ट रिएजेंट 1 ml लेकर उसमें 4-5 बूंद परीक्षण के लिए डालते हैं और अच्छी तरह मिलाते हैं। जैसे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो जो टेस्ट ट्यूब है आपकी हल्के की हो जाएगी और जो कि एल्डिहाइड का टेस्ट दे रही है। शिफ्ट अभिकर्मक क्या होता है ये आपको एक्सटर्नल जो है पूछ सकते हैं कि आपने ये जो डाला है ये क्या डाला है, और शिफ्ट रिएजेंट आप बोलेंगे तो क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड रंजक है का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है।
का पैरा रोजे नेली। हाइड्रो क्लोराइड। ये होता है शिफ्रियजन। जैसे ही आप एल्डिहाइड के टेस्ट में डालेंगे तुरंत गुलाबी रंग आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको जो भी कंपाउंड दिया है उसमें एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप चलिए एमीन ग्रुप में आपको कैसे पहचानेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है उसमें एमीन है आपको कैसे पता चलेगा। तो एमीन आपने पढ़ा होगा, अभी आप लोगों के कोर्स में भी है, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। प्राइमरी मतलब नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ यदि दो अल्काइल है तो द्वितीयक होगा, और नाइट्रोजन के यदि तीन जुड़े हुए हैं तो वो तृतीयक होगा। अब आपको जो प्राइमरी प्राथमिक अमीन का टेस्ट लगाना होगा वो दो तरह से लगा सकते हैं, कार्बाइल अमीन परीक्षण और एजोरेंजम। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होती है, ये रिएक्शन आपके थ्योरी में भी बहुत काम आने वाली है। देखिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन में 1 ग्राम का एक बिल्कुल 0.1 बहुत थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ लेकर उसमें 2 बूंद अल्कोहल या कुछ बूंदे क्लोरोफॉर्म की मिलाते हैं। क्लोरोफॉर्म भी आपके लैब में उपलब्ध होता है, और उसमें हम थोड़ा सा एनोइड मिलाकर देखते हैं तो मिश्रण को थोड़ी देर आप गर्म करेंगे एकदम से बहुत भयंकर गंदी स्मेल आने लग जाए। वो गंदी स्मेल जो होती है वो फेनिल आइसोसाइनाइड की होती है। फेनिल आइसोसाइनाइड मतलब C6H5N6। अब आपको एक्सटर्नल जो आएंगे बाहर से टीचर जो आएंगे वो आपको पहले पूछेंगे कि टेस्ट में आपने क्या क्या करा, उसके बाद आप जब बताएंगे तो गंध काय की थी तो आपको बताना होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला पूछेंगे, ये C6H5N6 आइसोसाइनाइड है इसलिए N C है, बीच में दो डबल बॉन्ड एक उप सह संयोजकता, और यदि साइनाइड होता है तो CN होता है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आप चलिए एजोरंजक परीक्षण की जरूरत नहीं है, फेनिल आइसोसाइनाइड ही काफी होता है जिससे अपन पता लगा लेते हैं कि प्राथमिक अमीन उपलब्ध है। अब आप देखो द्वितीयक अमीन की कैसे पहचान करेंगे, जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है या कंपाउंड दिया सफेद रंग का पाउडर जो भी कुछ दिया हुआ है, आपको द्वितीय अमीन की पहचान करने के लिए क्या करना होगा, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हम थोड़ी सी मात्रा में लेकर डाइल्यूट HCl डालते हैं, और धीरे धीरे देखिए आप रसायन शास्त्र के प्रयोगशाला में जल्दबाजी बिल्कुल भी काम की नहीं है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो आप बहुत आराम से एक तो पूरे टेस्ट याद करके जाएं, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, कार्बन यौगिक लिया उसमें थोड़ा सा HCl डाइल्यूट डालना, धीरे धीरे डालना, और उसमें NaNO2 डालते हैं। HCl और नाइट्रस अम्ल मिलकर एक पीला तेलीय रंग बना देता है जो कि द्वितीय अमीन की पहचान कराता है। अब आप देखिए द्वितीय अमीन का फॉर्मूला RRNH, द्वितीय का क्या था, ठीक है 3 लग जाएंगे उसमें। तो जब हम ये सारी चीजें डालेंगे तो एकदम से पीला तेलीय द्रव आ जाएगा जिससे अपन पता चल जाएगा कि आपको द्वितीय अमीन है। एमाइड का यदि टेस्ट लगाते हैं तो उसमें सोडा आपके लैब में रखा रहता है, जैसे ही डालेंगे आप अमोनिया गैस, हेयर डाई में यूज की जाती है अमोनिया गैस, तीखी गंध आएगी उससे आप पहचान जाएंगे कि ये अमोनिया है मतलब एमाइड है इसमें। अल्कोहल का मैंने आपको बता दिया था, वैसे फिर से बता देती हूँ कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यदि हम मिश्रण मिलाते हैं तो लाल रंग का सॉल्यूशन ये जो बनेगा वो रेड कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, और इस तरह से कुछ नहीं बिल्कुल आराम से आप 4 नंबर कमा सकते हैं। आपकी लैब में सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारा टाइम है, और हर टेस्ट याद होना चाहिए आपको, तभी आप
बहुत अच्छे से कुछ कर पाएंगे। इस संबंध में आपको मैं एक थोड़ा सा वीडियो भी दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैं क्या पढ़ा रही थी। बहुत सारी चीजें क्या होता है कि जब ऑडियो वीडियो में देखते हैं तब हम है ना समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब मैडम क्या बता रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएगा। खासकर आपको सिर्फ यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्रियात्मक मूलकों की पहचान आपको कैसे करनी है। अल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CH होता है, अम्ल जो होगा कोई भी अम्ल जो होगा उसमें COH होगा, और कीटोन होगा, एसीटोन होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा CO होगा, एस्टर यदि होगा तो RCOR होगा, अमीन होगा तो RNH2 होगा। ये सारी चीजें आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए। छोटा सा आप वीडियो देखो तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में भी और समझ में भी आ जाएगा। लैब में आपको In this introduction to organic chemistry, you will learn the definition of a hydrocarbon and how functional groups give molecules similar properties. Organic chemistry is the study of carbon compounds. There are many millions of organic compounds that you can make using hydrogen and carbon and arranging them in different ways. Hydrocarbons are defined as compounds made of hydrogen and carbon only. The simplest hydrocarbon is methane. It consists of one carbon with four covalent bonds to hydrogen atoms. The next in the series has two carbon atoms, and this is called ethane, and is followed by propane and then butane, these being the names of the first four in the series of molecules called the alkanes. Pause this video now and try to draw the structure of hexane. Hexane has six carbon atoms. Here is the structure of hexane. Compare it to the structure you drew. Did you get it right? The next series is called the alkenes. These are hydrocarbons that contain a double covalent bond between two carbon atoms in the molecule. Just like the alkanes, each carbon atom still needs four bonds, but has two bonds already due to the double covalent bond with the other carbon atoms. The ethene molecule is completed by two more bonds with two hydrogen atoms for each of the carbon atoms. These also follow a pattern, and the next molecule in the series is propene and then butene. Pause this video now and try to draw the structure of hexene. As before, hexene has six carbon atoms. Here is the structure of hexene. This time, there is a double bond because it's an alkene. The video tutorial on the alkanes and alkenes will give you more in-depth knowledge on the bonding and structure of these series of molecules. As we have already discussed, hydrocarbons are molecules containing only carbon and hydrogen atoms. However, the study of organic chemistry includes any molecule with a carbon backbone. Functional groups are groups of atoms which give molecules similar properties. There are many different functional groups. You may have heard of the alcohol group. This is a hydroxyl group and is a hydrogen bonded to an oxygen, which is then covalently bonded to the rest of the molecule. This group can be attached to any of the alkanes to form alcohols, their name all ending in ol. For example, methanol, ethanol, and propanol. Pause this video now and try to work out the name of this molecule. There are four carbon atoms in this molecule with an alcohol group, and so its name is butanol. The alcohol functional group means that all these compounds will react in a similar way and will have similar properties. Carboxylic acids are another example of a functional group. This is the functional group for a carboxylic acid and gives an organic molecule the name oic acid.
methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, and butanoic acid. There are lots more functional groups. Esters, which give molecules a sweet smell and make them useful for perfumes and flavorings. Ketones, which make molecules useful as solvents. Amines, which can be used as dyes and useful in making medicines. Some molecules have more than one functional group and give molecules different properties still. Now, by the end of this video, you should know that organic chemistry is the study of carbon-based molecules, and that hydrocarbons are molecules containing hydrogen and carbon only. You should also know that functional groups are groups of atoms which give molecules similar properties. Thank you.
The next two that we'll have to go over is use the standard and gamma. So I'm sure the standard first. The natural function is essentially just an action with now that means they actually have permutations here as well, but it's just going to be like and the way you think about it is, I mean, it's sort of like amino acids. They're the most simplest subunits of a protein. So that means it's just an nitrogen bond to carbon. So adding your simpler than ammo. Okay, next. Ethers and esters. I got these one for example. And then I realized not that well. There's so trick they can use to differentiate. So the ether. When you think of ether, not ether, you can't think of either or either, and the structure is basically an oxygen with carbon on either side. And what is carbon? Just the carbon. They can change the carbon. So once you just now the ester is a little bit more complicated. I do write it before and I bring it to the ether. One small difference is that instead of bringing in the carbon, I use the carbon. We went over two functional groups with nitrogen before. I'm going to go over nitrogen. So that's going to be nitrogen. The nitriles are just the carbon. And you can look at the name of the function group, it's tri. So I, when I see that, I immediately think of
triple bond. So carbon triple bond is one group. And then sometimes it's just other members. But the bond that you see at the end, just show yourself immediately, it's going to be carbon triple bond. Now, this is normally something that will be introduced before you start looking at alcohols and alkenes, along with alpha halides and all those types of introduction reactions in organic chemistry. One important thing you're going to need to know is which ones are required for your specific course, because some teachers will only require you to memorize a few of them, for example, alcohols. तो बहुत सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई होंगी. फंक्शनल ग्रुप, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है. तो बहुत अच्छे से ये चार नंबर जो आप कवर कर सकते हैं, तैयारी करिए. ऑल द बेस्ट आपके लिए.